देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि तीनों सेनाएं एक टीम के रूप में काम करेंगी। रक्षा स्टाफ के प्रमुख को दिए गए कार्य के अनुसार हमें एकीकरण को बढ़ाना होगा और बेहतर संसाधन प्रबंधन करना होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो टास्क कटआउट है वो है तीनों सर्विस को एकजुट होकर सक्षम बनाना और हम इसी तरफ कार्रवाई करते रहेंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूंगा कि इसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स एक साथ टीम वर्क करते हुए कार्रवाई करेंगे। सीडीएस जो है उनके ऊपर नियंत्रण रखेगा लेकिन कार्रवाई जो होगी वो टीम वर्क के जरिए होगी। ऐसे नहीं होगा कि अपने निर्देश के हिसाब से सीडीएस किसी फोर्स को चलाना चाहेगा। उसको जैसे बताया गया है इंटीग्रेशन की जरूरत है, उससे हमें क्या क्या हासिल हो सकता है। सबसे पहले तो हमें तीनों सर्विसेज जो हैं उसका 1+1+1 का जो जोड़ आता है उसको 3 नहीं बनाना है, उसको 5 या 7 बनाना है। तो यू हैव टू अचीव मोर थ्रू सिनर्जी एंड इंटीग्रेशन। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ये कहते हैं कि सेना को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, तो आपका क्या व्यू है इस पर? हम दूर रहते हैं, हम बहुत दूर रहते हैं पॉलिटिक्स से। आपके राजनीतिक झुकाव की बात की गई है विरोध करते हुए, आपके राजनीतिक झुकाव की बात की गई है? ऐसा है, हम लोग जो हैं जो गवर्नमेंट इन पावर होती है उनके आदेशानुसार कार्रवाई करते हैं।